तो अगर आप भी 2 से 3 लाख रुपए के बजट सेगमेंट में अपनी छोटी फैमिली के लिए कोई छोटी सस्ती माइक्रो एसयूवी कार तलाश रहे हैं, तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी जल्दी भारतीय बाजार में इस होली के मौके पर अपनी जबरदस्त कार के साथ एंट्री लेने वाली है। मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन 2024 सबो का इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा था। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आप इस वीडियो को देखने के बाद होली से पहले ही इस कार को घर बैठे बुक कर सकते हैं। मार्केट में सबो एक ऐसा कल्प है जिसको भारतीय सड़कों से डिसकंटिन्यू किसी कारणों के चलते किया गया, मगर इस बार सबवे जैसी कार की डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ते हुए और कम बजट में एक कार लेने का सपना पूरा करने के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी जैसी जबरदस्त सबवे कार को लॉन्च करने का भारत में कम दामों में फैसला कर लिया है। बता दें कि सबवे अपने पुराने डिजाइन के चलते हैचबैक कार के रूप को पीछे छोड़ स्मार्ट जमाने के साथ एसयूवी अंदाज में नजर आने वाली है, और साथ ही साथ इस कार का प्राइस भारत 5 लाख रुपए से भी कम के बजट में मिडिल क्लास से लेकर मध्य वर्गीय परिवारों का कार लेने का सपना इस बार जरूर से पूरा करेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मार्केट में आने वाली 2024 सबो के लुक से और डिजाइन की बात कर ली जाए, जो कि हर किसी को मार्केट में इस कम बजट वाली सेगमेंट की कार ने दीवाना बना रखा है। सबो जैसी कार भारतीय बाजार में काफी पुराने लंबे समय से आज तक हमारे दिलों पर बसी हुई है, और इस बार इस कार को एसयूवी अंदाज के साथ ऑल्टो से भी कम कीमत में कई सेगमेंट की कारों को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबो के लुक से और डिजाइन की ही बात कर ली जाए, जो कि हर किसी को कार ने दीवाना अपना बना रखा है। वीडियो में सबो को आप अपनी साफ साफ देख पा रहे हैं कि कार का रंग रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। इस हैचबैक कार के डिजाइन को पूरी तरीके से एक एसयूवी जीप अंदाज में ढाला गया है, जो कि कार पूरे अंदाज में काफी जबरदस्त नजर आ रही है। जिमनी से डिजाइन लिया गया सबो जैसी कार को बनाने में काफी वक्त लगा था, मगर इस कार के फ्रंट लुक में गौर किया जाए तो देख लीजिए प्रोजेक्टर लाइनअप का इस्तेमाल फोरिंग हेडलैम्प्स को हटा के इस कार में कर डाला है, जो कि कम बजट में इस कार में और भी खूबसूरत नजर आता है। साथ ही साथ डे टाइम रेडिंग लाइट्स भी सबो जैसी खूबसूरत कार को और भी शानदार बना रही है, और मारुति सुजुकी ने आखिरकार कम बजट में भी इस कार में न्यू 89 अपडेट ग्रिल का इस्तेमाल भी कर डाला है, जिसके चलते सबो जैसा मॉडल मार्केट में कई सेगमेंट की कारों को चौंकाने वाला है। साथ ही साथ सबो जैसी कार में इस कार को और भी स्पोर्टी बनाने के लिए स्पोर्टी लुक वाले बम्पर का भी इस्तेमाल इस कार में किया गया है, जो कि मैट ब्लैक ऑप्शन के साथ सिल्वर ग्रेज लाइनअप में इस कार की खूबसूरती को मार्केट में काफी चांद चांद लगा रहा है। उसमें लगे कम बजट वाले फॉग लैंप्स भी काफी दमदार इस कार को बना रहे हैं। ओवरऑल लुक से शानदार सबो काफी दमदार नजर आती है, और साइड प्रोफाइल में गौर किया जाए तो इस छोटी कार में ऑफ रोडिंग के दीवानों का अच्छा खासा ख्याल रखा गया है, क्योंकि कार में 17 इंच के बड़े टायर्स का इस्तेमाल वो भी कंपनी फिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन के साथ सबो जैसी कार में आपको मिलने वाला है, जिसके चलते अब ऑफ रोडिंग का सपना हर किसी ग्राहक का सबो जैसी कार को लेकर पूरा होने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस पे गौर किया जाए तो भारतीय बाजार के तंग रास्ते, ऊबड़ खाबड़ सड़कें और पथरीले रास्तों को ध्यान में रखते हुए सबो जैसे मॉडल को काफी जबरदस्त अपडेट किया गया है, जिसके चलते कार मस्कुलस और 4x2 के डिजाइन में भी काफी खूबसूरत और चौड़ी और लंबी नजर आती है। ओवरऑल शानदार डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ इस कार को वाकई में ही काफी दमदार भारत के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ तो गली अपने बात मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन 2024 सबो के लुक से लेकर डिजाइन की बात, तो आपने यहीं से अंदाजा लगा लिया कि मार्केट में सबो जैसे मॉडल को कितना खूबसूरत लुक दिया गया है, जिसके चलते कम पैसों में आप अपनी कार वो भी एसयूवी अंदाज में लेने का सपना इस बार जरूर से होली के मौके पर पूरा कर सकते हैं। जितना कार शानदार लुक के साथ नजर आती है, उतना ही दमदार सबो के अंदर एक दमदार इंजन का इस्तेमाल इस कार को बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, और उन्हीं पेट्रोल के दामों को जमीन पे लाने के लिए आने वाली सबो में एक दमदार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस इंजन ऑप्शन आपको इस बार मिलने वाला है। तो आइए फिर इंजन तथा पावर की बात कर ली जाए, तो सबो जैसी कार में आपको 2.0 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि भारतीय बाजार की सड़कों पर 180 bhp के मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 240 nm तक का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखता है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सबो में आपको 5 स्पीड EMT से लेकर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन मिलेगी, जिसके चलते ये कार अपने इस जबरदस्त इंजन ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार के तंग रास्तों पे आपको 30 से लेकर 31 के आसपास माइलेज दे पाने में क्षमता रखेगी, है ना कमाल की बात। फीचर्स की बात आती है तो आजकल हर कोई ग्राहक अपने कम बजट में कार लेने का सपना पूरा करने के साथ ही साथ अपनी कार में शानदार फीचर्स को भी
तलाशता है। हर कोई चाहता है कि कम बजट में कार भी ली जाए और अपने कार के अंदर दमदार फीचर्स भी हमें दिए जाए। तो मारुति सुजुकी अपने उन सभी ग्राहकों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए सबो जैसे मॉडल को अपडेट करते हुए कई शानदार फीचर्स और 10 से ज्यादा कनेक्टिविटी कार टेक्नोलॉजी फीचर्स के साथ अपने मॉडल को लॉन्च करने का निर्णय ले चुकी है। बात कर ली जाए मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन सबो के फाइनली अब इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात, तो इस कार को वीडियो में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि कार के डैशबोर्ड को पुराने मॉडल के मुकाबले कितना शानदार और यूनिक पूरे लेदर के लाइनअप के साथ अपडेट किया गया है, जिसमें वुडन का लाइनअप तक आपको इस कम बजट में देखने को सबो जैसी कार में मिल जाता है। सबो जैसी कार में दोनों साइड नए डिजाइन के ऑटोमेटिक एसी वेंट्स भी नजर आते हैं और साथ ही साथ 1.2 पे अपडेट प्योरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन भी मिल जाता है और साथ ही साथ सेंट्रल कंसोल की शान बढ़ाने वाला सबो जैसी कार में 5 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कंपनी ने किया है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो से लेकर एप्पल का अपने सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम और यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल और वॉइस का मान जैसे शानदार फीचर्स सबो जैसी कार को वाकई में ही मार्केट में खास बनाने वाले हैं। इतना ही नहीं, आने वाली सबो में आपको वायरलेस चार्जिंग से लेकर स्मार्ट चार्जिंग, डीप प्लगिंग ऑप्शन, हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन, म्यूजिक सुनने वालों को कम बजट में सबो जैसी कार अपना दीवाना बनाने वाली है। ये तो हो गई कार के फीचर्स की बात। कंफर्ट की बात आती है तो कम बजट में आने वाली सबो जैसी कार में ऐसी फर्स्ट क्लास सीटिंग ऑप्शन आपको मिलने वाली है। अब चाहे लॉन्ग ड्राइव हो या फिर शॉर्ट ड्राइव हो, किसी भी तंग रस्तों पर आपको एक बेहतरीन राइड भी इस कार में दी जाने वाली है, क्योंकि इस कार में अपोल्ड सीट्स का इस्तेमाल जो किया गया है, जिसके चलते आप अपने 14 तरीके से सीटों को एक बटन द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, 360 एंगल तक मोड़ सकते हैं। ना यूज होने पे सबो की सीटों को बाहर भी निकाला जा सकता है। पीछे लेगरूम पे नजर डाले तो 4x2 के डिजाइन के साथ माइक्रो एसयूवी अंदाज में भी कार में 5 लोग आसानी से बैठ के सफर कर पाएंगे। बैठने के बावजूद भी सामान रखने का स्पेस काफी अच्छा सबो जैसे मॉडल में आपको मिलने वाला है, जो कि कार को वाकई में ही काफी जबरदस्त और खास भी बना देता है। ओवरऑल लुक और शानदार डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ सबो जैसी कार भारत में दस्तक देने वाली है। सबो के फाइनली सेफ्टी फीचर्स पे गौर किया जाए तो ग्लोबल एनसीपी से लेकर क्रैश टेस्ट मानकों के तहत कार को पूरे 5 की रेटिंग मिल चुकी है और साथ ही साथ सबो को सेकेंड जनरेशन हाई टेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। सेफ्टी फीचर्स की बात कर ली जाए तो कार में आपको साथ ही साथ पूरे 2 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं और साइड एयरबैग्स तक इस कार में शामिल किए गए हैं। ईबीडी टेक्नोलॉजी के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरा, IFSO फिक्शन लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल जैसे शानदार सेफ्टी फीचर्स मार्केट में सबो जैसी कार को काफी खास बना देते हैं। बात कर लीजिए लॉन्चिंग तथा कीमत के बारे में। मार्केट में प्री बुकिंग तो स्टार्ट सबो की हो चुकी है। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन सबो की कीमत केवल 1.80 लाख रुपीज एक्शन प्राइस होने वाली है। तो देरी किस बात की, कार को बुक करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। वीडियो पसंद आया तो सबो के लिए कर दीजिएगा एक लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।